कांग्रेस नेतृत्व ने 28 अगस्त को वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय की जाएगी। कहा जा रहा है कि नेतृत्व ने अध्यक्ष के चुनाव को एक महीने तक टालने का विचार किया है। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरने को राजी नहीं है। इसके अलावा अशोक गहलोत भी इसे लेकर सहमत नहीं है, जिनके नाम की चर्चा जोरों पर चल रही है। कहा जा रहा है कि खुद सोनिया गांधी ने ही उन्हें ऑफर दिया है, लेकिन वो अध्यक्ष बनने के लिए उत्सुक नहीं है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए और पुराने नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार के ही किसी नेता को देखना चाहते हैं। ऐसे में किसी भी विवाद की स्थिति को कांग्रेस नेतृत्व खत्म करना चाहता है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि पहले ही तय कर लिया जाए कि कौन चुनाव में उतरेगा और उस पर सभी की सहमति बन जाए, उसके बाद ही चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए। फिलहाल कांग्रेस का फोकस इस बात पर है कि सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण की शुरुआत मजबूती से हो जाए। इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। चर्चाएं यहां तक हैं कि इस यात्रा के सफल होने के बाद गांधी परिवार से ही किसी नेता को अध्यक्ष पद के लिए राजी किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जोर राहुल गांधी को लेकर ही है। फिलहाल कांग्रेस ने जो शेड्यूल तय किया है उसके मुताबिक 21 सितंबर तक नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थितियों में ये टलता दिख रहा है। अब चर्चा है कि अध्यक्ष का चुनाव अक्टूबर के अंत तक यानी दिवाली के बाद हो सकता है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ही लेना है। अध्यक्ष पद का चुनाव टालने की एक वजह यह भी है, 10 से 25 सितंबर के दौरान पितृपक्ष लग रहा है। ऐसे में कांग्रेस इससे बचना चाहती है और अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखों को ही टालने पर विचार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव एक बार फिर लगभग एक महीने के लिए टाल दिया गया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अंतिम कार्यक्रम 28 अगस्त को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तय किया जाएगा। संभावना है कि चुनाव प्रक्रिया 21 सितंबर तक पूरी होने के बजाय अब अक्टूबर या नवंबर में पूरी की जा सकती है। नए कार्यक्रम पर फैसला रविवार को कांग्रेस कार्य समिति करेगी। सूत्रों ने यह भी कहा कि स्थगित करने का नया निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पार्टी के नेता भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहेंगे, जो 7 सितंबर से शुरू होगी। वहीं खबरें थी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था, लेकिन अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी ही सही रहेंगे। सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस शीर्ष पद के लिए गांधी परिवार से आगे देख रही है। गहलोत ने खुद कहा कि मीडिया में ये बातें आ रही थी। कांग्रेस का केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण अगले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए पार्टी की कार्य समिति से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी के इनकार के बाद सबसे पुरानी पार्टी इस समय शीर्ष पद के लिए आम सहमति के उम्मीदवार की तलाश में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।